में कितना स्पीड है, तो उस समय से जस्ट अगले सेकंड जो होगा उसका जो चेंज होगा बहुत कम होगा। अगर जो चेंज कम होता है यहाँ पे, जो इसके अंदर जो होता है स्मॉल चेंज होता है, अगर स्मॉल चेंज होगा तो हम उसको डेल्टा टी से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, यानी कि हम लोग जो है इस प्रकार से चेंज नहीं कर सकते। तो कहा कि भाई इसके स्मॉल चेंज, ये डेल्टा टी का मतलब होता है जब आपका चेंज क्या हो, काफी बड़ा हो। तो जब स्मॉल चेंज होता है तो हम लोग कहते हैं कि उसको हम लोग किससे लिखते हैं, डीटी से लिखते हैं, सॉरी डीसी से लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी अगर मैं बात करूं, यानी कि, और टाइम को हम लोग क्या ले लेते हैं, डीटी ले लेते हैं। ये कैसे डिसाइड करोगे कि सर कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा है, कौन किसमें जो है ज्यादा समय लग रहा है, किसका चेंज ज्यादा है, ये आपको चिंता नहीं करना है। दोनों जगह सेम ही फॉर्मूला लगता है। इसे मैं कहूं मेरे पास एक कोई इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू सी बन रहा है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं 2, 3 और ये 4 है, ठीक है। मेरे को निकालना हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाता है, -1/2 डेल्टा ए, यहाँ पे डी टी डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। कुछ नहीं करना, बस बड़ा चेंज है तो ये एक लिखने का तरीका होता है, और इसमें कोई ज्यादा चीजें चेंज नहीं है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी वही है जो हम पहले यूज करते थे। बस हमने क्या कर दिया कि स्मॉल चेंज की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे जो है डेल्टा की जगह पे हटा के जो है डी यूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, डी बी डिवाइडेड बाई डी टी, और यानी कि इस प्रकार से ये हो जाता है, और कोई भी चेंज नहीं है। रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना हो तो सेम वैसे ही लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना हो तो वैसे ही लिखेंगे, यानी कि कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसका ग्राफ बनाऊ तो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर मेरे पास यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि एक साइड मैंने कंसंट्रेशन रखा, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है इधर साइड, और इधर साइड मैंने जो है टाइम ले लिया। ये जो कंसंट्रेशन है ना, मैं रिएक्टेंट का ले रहा हूं, ओके, यहां पे मैंने क्या लिया, रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन लिया। अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिया तो समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा, यानी कि कुछ इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा, बोलिए। यानी कि देखो समय, यानी कि इनिशियल में हमारे पास कंसंट्रेशन इतना था, यानी कि मैक्सिमम यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे मान लेता हूं कि 20 है। यानी कि देखो धीरे धीरे जैसे जैसे शुरू में इनिशियल 0 पे कंसंट्रेशन 20 था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो यानी कि कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यानी कि जो है घट रहा है। यानी कि रिएक्टेंट का तो देखो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। मैं अगर जब प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट क्या होगा टाइम के साथ, बढ़ेगा। वेरी गुड, यानी कि आपका जो है प्रोडक्ट के साथ यानी कि ग्राफ बढ़ेगा। मैं इसको ऐसा बना देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने कंसंट्रेशन लिया, यहां पे मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया, और इस बार जो हमने लिया इधर साइड क्या लिया, प्रोडक्ट लिया, ओके, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया, टाइम का यूज किया, ओके। अब देखो जैसे जैसे आप समय के साथ देखो बढ़ रहे हो तो ग्राफ भी देखो धीरे 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 प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शुरू में प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पे करीब करीब बहुत कम होगा, अगर जितना करीब से बनाओगे उतना ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बना दे रहा हूं, ठीक है। समय में शुरू में बहुत कम प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है प्रोडक्ट देखो क्या हो रहा है, यानी कि बढ़ते चले जा रहा है। अब आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है, अगर जो मुझसे पूछा जाए कि इसका जो है स्लोप निकालना है, जैसे मेरे पास मान लो कि मैंने एक ग्राफ ले लिया, यहाँ पे मैंने जो है कंसंट्रेशन रखा और इधर जो है मैंने टाइम रखा, ओके, मेरे पास जो है, मैं अगर जो रिएक्टेंट का बनाऊं तो रिएक्टेंट का मेरे पास कैसा है, कुछ इस प्रकार से है ग्राफ है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये जो है इसका स्लोप है, ठीक है, और ये स्लोप है इसका मान लिया थीटा, तो मेरे को स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या होता है, टेन थीटा, या
आपको एक और फॉर्मूला लगाना है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। आप इस वाले को क्या करना कि जो है वाई मान लेना और इस टाइम वाले ग्राफ को क्या मान लेना एक्स मान लेना, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही निकालोगे तो यानी कि क्या होता है स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसीलिए हमने जो है ऐसा आपको कहा लिखने के लिए। आप मैथ में पढ़ते होंगे कि यानी कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जो है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार जो है इससे रिलेटेड स्लोप से रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप तो सबसे पहले ये पूछ देगा कि रिएक्टेंट और टाइम का कौन सा ग्राफ है, तो आप ध्यान रखिएगा ये बहुत ही सिंपल है। आप खुद सोच सकते हो एग्जाम में कि जो समय के साथ रिएक्टेंट घट रहा होगा यानी कि वो वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट टाइम का हो जाएगा। प्रोडक्ट और टाइम का कौन सा ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे सी का मतलब कंसंट्रेशन है। अब दोनों जगह कहोगे सी है तो यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये नहीं समझिएगा कि मैंने रिएक्शन वाला जो है सी लिखा है, नहीं वो तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन होता है जो कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं यूज करता हूं। ये भी क्या है सी है, ओके ठीक है। अब देखो ये आप लोगों ने स्लोप निकालना सीख लिया। जैसे मेरे पास मान लो कि एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे से कहता है कि फाइंड आर ओ आर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। देखो अगर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया तो सबसे पहले जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाले। अगर मैं इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं आर ओ आर तो बताइए क्या होगा, डी ए छोटी है तो छोटी लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय डी टी और ये कैसा हो जाएगा माइनस में इक्वल टू माइनस वन बाय टू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी और इक्वल टू वन बाय टू डी सी डिवाइडेड बाय डी टी। बोलिए यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो ग्राफ किस चीज का दिया हुआ है, बी का, यानी कि बी कहां पे आ रहा है, यानी कि यहां पे, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मुझे बताएंगे, डी बी डिवाइडेड बाय डी टी। बोलिए क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बताइए पूछ लीजिए। अब देखो हमें पता है कि ये जो डीबी बाई डी टी है ये वैल्यू निकाल लेंगे तो यानी कि आर ओ डी निकल जाएगा, लेकिन हमारे सामने दिक्कत क्या आ गई कि हमारे पास कंसंट्रेशन तो है ही नहीं और कंसंट्रेशन है भी तो यानी कि वैल्यू के टर्म है, हमने कहा कोई बात नहीं हम क्या करते हैं कि आपको पता है डीबी का मतलब होता है चेंज, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं y2 माइनस y1 लगा दो या जो है 10 माइनस 6 कर दो और नीचे में 4 माइनस 2 कर दो, क्या यही r o d आ जाएगा बेसिकली, यानी कि db का मतलब क्या है चेंज है, लेकिन स्मॉल के लिए हम लोग कर रहे थे ये चीज तो हमने बताया, कहोगे सर यहाँ पे तो चेंज यानी कि 4 का आ रहा है, ये तो हम लोग ने क्वेश्चन बनाया है, हम लोगों को बेसिकली इतना ज्यादा इन पे नहीं जाना है कि कितना छोटा होना चाहिए डिफरेंस जो कि हम डी यूज करें और कितना बड़ा होना चाहिए कि डेल यूज करें, ठीक है। अब मेरे पास बताओ यहां से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 बाय 2 हो जाएगा, यानी कि आर ओ डी आपने कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। जब आपने आर ओ डी निकाल लिया तो क्या हम यानी कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, बिल्कुल जब भी आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकाल रहे हो तो सबसे पहले ट्राई करना कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालें। तो देखो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को हम लोग क्या करते हैं आर ओ आर से कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं। देखो सॉरी मैं पेज ऐड कर देता हूं, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बी के लिए टर्म में क्या है डी बी डिवाइडेड बाय dt, ओके okay? अच्छा देखो मेरे पास db by dt की वैल्यू पता है तो ROR into 2 times equal to db by dt, और हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी यूज करना तो पॉजिटिव यूज कर लेना, यहाँ पे हम लोग जो है माइनस को भी फिलहाल हटा देते हैं क्योंकि जो भी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है यानी कि पॉजिटिव हो जाती है, तो db by dt की वैल्यू आपको पता है, सॉरी
मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो वैल्यू पता है डीबी बाई डीटी की पता है, तो डीबी बाई डीटी की कितनी वैल्यू है, टू टू है, यहां से मैं जो है टू रख देता हूँ, यानी कि 1/2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1। और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके। अच्छा, आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाले तो क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं यही भी निकाल देता हूं कि ROD इक्वल टू क्या हो जाएगा, dA डिवाइडेड बाय dT, ओके। और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, dA बाय dT। तो देखो क्या यहाँ पे बिल्कुल वही वैल्यू आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, यानी कि यही तो इसकी वैल्यू है मोड के टर्म में, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है तो हमने इसको क्या कर दिया, मोड के टर्म में यहां से लिखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ROR इक्वल टू 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैं पूरा लिख देता हूं मोल को, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास ये दिया हुआ है, आपको यहां से जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब इस बार एंगल दिया हुआ है तो हमने आपको बताया tan थीटा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे, देखो ये वाली वैल्यू लेनी है पॉजिटिव वाली, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा की जगह पे मैं जो है 135 लिख देता हूँ, तो माइनस करोगे क्योंकि आपको पता है इसका जो पूरा वैल्यू होता है 180 होता है यहाँ से यहाँ तक का, और इसकी वैल्यू 45 है, तो यानी कि 180 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और 135 का जो वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू निकला dQ डिवाइडेड बाय dT की वैल्यू -1 निकला, और ये क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और वो भी किसका, क्यू का, ओके। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए। तो हमने कहा कि भाई इसकी वैल्यू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स हो गए, ओके। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिसअपीयरेंस निकल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन हम किसके टर्म में निकालेंगे, क्यू के टर्म में, इक्वल टू -1/3 और dQ डिवाइडेड बाय dT हो जाएगा, और आपके पास dQ बाय dT की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे हमने रखा यानी कि ROR की वैल्यू कितनी हो गई, -1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब उसी प्रकार से मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है आर का, मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ROR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DR डिवाइडेड बाय DT, और इसका मोड, और ROR की वैल्यू आपके से पता है कितनी है, यहाँ से DR बाय DT की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है ROR, हमें जो है निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि dR डिवाइडेड बाय dT, और रेट ऑफ अपीयरेंस आपको पता है कितना है, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना है, 1/3, यहां से क्या हो जाएगा dR बाय dT कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस इसका कितना हो जाएगा, 1/3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नो सर, ओके, समझ में आ रहा है बाकी सभी को, यस सर, हरीश, यस सर, निशांत, आप लोगों को आ रहा है समझ में, पायल, पूजा, रिजु गोयल, किन्हीं को कोई यस डाउट, ओके, किन्हीं को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, तानिया, ठीक है। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो इस टाइप के, आपको जो है यानी कि इससे रिलेटेड जो है ग्राफ से रिलेटेड आएंगे, इसीलिए मैंने उस समय जो है आपको जो कहा था कि पिछली क्लास में वो वाला जो है मैं आगे बताऊंगा जो चेंज है और ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। पहला मैं बात करता हूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर जब मैं इसमें पहला बताऊं
तो मैं बात करता हूं आयनिक एंड कोवेलेंट की। अब देखो आयनिक का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो अलग होगा, कोवेलेंट का अलग होगा। अगर जब दोनों का अलग होगा तो यानी कि ये जो इफेक्ट करेंगे दोनों अलग अलग करेंगे, यानी कि जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो यानी कि वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। कोवेलेंट का यानी कि थोड़ा सा वो दूर दूर होंगे तो यानी कि थोड़ा टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे तो इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कोवेलेंट का ज्यादा होता है और आयनिक का क्या होता है, कम होता है। आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो आप बोलिएगा क्योंकि आयनिक में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने होते हैं और वो स्टेबल होता है कंपेरिजन टू कोवेलेंट, दोनों स्टेबल होते हैं, लेकिन इसमें एक ने पूरे तरह से दे दिया तो जिसके अंदर जो है आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हो, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इसमें जो है कम फोर्स लगता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है उतना ज्यादा वो क्या होते चले जाएगा, स्टेबल होते चले जाएगा। हम दूसरा बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। अच्छा मुझे बताओ कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, बताइए। होमोजेनियस होमोजेनियस होमोजीनियस सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। मैं जैसे कहूं मेरे को अगर एक क्लास मिला पढ़ाने के लिए, उसमें बहुत सारे बच्चे इधर उधर बदमाशी कर रहे हैं, कुछ ये पढ़ रहे हैं कुछ वो पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं वहां पे समझाना मेरे को आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, मुश्किल मुश्किल होगा। यानी कि हेट्रोजीनियस में भी पार्टिकल क्या होते हैं कि इधर उधर जो है पूरा इधर कुछ इधर जा रहे होंगे कुछ इधर जा रहे होंगे, लेकिन होमोजीनियस में सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक सिस्टमेटिक मैनर में होंगे, तो इनको जो है यानी कि क्या होगा, ये जो है आसानी से सारे के सारे रिएक्शन कर जाएंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कुछ एक रिएक्शन करने वाला होगा, कुछ रिएक्शन करने वाले नहीं होंगे, यानी कि ये सारी चीजें जो है हमें क्या करती है, यानी कि जो है डिपेंड करती है। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बता दीजिए। चलिए अब ये बातें आप लोगों को समझिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अगर जो कहूं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे मैं समझाने के लिए कहूं कि आपके सामने मैं सपोज करो कि जो है बता रहा हूं कि अगर जब मैं कहूं कि कोई भी आप लोग जो पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ रहे हो ताकि कि आपके फ्यूचर में स्टेबिलिटी बने, यानी कि आप नेट क्रैक करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी बनेगी। लेकिन मैं कहूं कि आपको आप बहुत पढ़ लो लेकिन मैं आपको जो है आगे चल के जो है डॉक्टर नहीं बनने दूंगा, या इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहेगा डॉक्टर का, तो क्या आप लोग इस पढ़ाई को पढ़ना चाहोगे क्या? नो सर, यानी कि हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि कि फ्यूचर में स्टेबिलिटी मिले, यानी कि जिधर की और स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है देखिएगा उधर की और स्टूडेंट जो है वो ज्यादा जाता है। देखिएगा जनरली लोग जो है डॉक्टर या जो है इंजीनियर बनने का प्रयास करते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस फील्ड में जाएंगे तो हम लोगों की स्टेबिलिटी कुछ ना कुछ हो जाएंगे, तो इसीलिए देखिए इधर की और ज्यादा लोग जाते हैं। बाकी कंपेरिजन में देखो 22 लाख लोग जो है नीट का पेपर देते हैं, 15 लाख करीब करीब जो है जेई का पेपर देते हैं, लेकिन बाकी देखो जितने एग्जाम होते हैं उसमें 4 लाख 5 लाख ही लोग देते हैं। यानी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस टाइप से पढ़ेंगे तो हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसी जिस कारण से इधर की ओर जाते हैं तो यानी कि स्टेबिलिटी अब ज्यादा होते तो उधर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट का, अब मान लो कि किसी के कोई बच्चा है जिनके पापा जो है बिजनेस करते हैं, अगर जब बिजनेस करते हैं तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी पहले से, तो उसको क्या लेना देना है, यानी कि तब वो रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा समझो सिंपल शब्दों में कि मेरे को ना रोटी, मेरे को भूख लगी है मेरे को रोटी खानी है, यानी कि अगर मेरे पास रोटी जिधर की और मिल रहा होगा चाहे मम्मी के पास या पापा के पास या जहां भी मिल रहा होगा तुरंत दौड़ के जाएंगे उधर खाने के लिए,
लेकिन अगर जब मेरे को भूख एकदम बिल्कुल भूख ही नहीं है तो यानी कि मेरी स्टेबिलिटी पहले ही है, तो मैं रिएक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या? नहीं। तो ये बात भी याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितना ज्यादा आपके स्टेबल प्रोडक्ट होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। लेकिन आपका रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। इस संसार में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सभी के सभी स्टेबिलिटी के लिए हो रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, ये लोग भी अपनी स्टेबिलिटी करते हैं। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी बताओ क्या होगी? कम होगी, होगी कि नहीं होगी, बोलिए। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी कम है या स्टेबिलिटी? आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सॉलिड देखा है, कोई भी चीज, पत्थर को देखे हो, बोलिए। ओके, आप देखे वो पत्थर को जिस जगह रखते हो उसी जगह रहता है, यानी कि उसके पास क्या है, एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यानी कि एनर्जी कम है। लेकिन गैस देखो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस बात से याद रखिएगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे वैसे भी कहा गया है, एक संस्कृत में स्लोगन है कि जिसके पास विद्या होती है वो बहुत ही विनम्र होता है, वो कभी भी देखना जो है उग्र भाषा या बहुत जल्दी जो है गर्म नहीं होता है। उसी तरीके से जिसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। बस आप इतने याद रख लीजिएगा। ओके, सेकंड हम पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टर। क्या पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि फिजिकल स्टेट, आप जो रिएक्टेंट लोगे वो कैसा लोगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस? अभी जस्ट मैंने बताया कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसकी, अच्छा सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है इसमें, इन तीनों में? गैस की। क्यों गैस की है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने कहा कि जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबल क्या होगा, कम होगा। यानी कि इसके पास क्या है, क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा है? यस सर। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, देखना आप लोग एक कोने में जो है परफ्यूम को जो है स्प्रे करते हो पूरे रूम में चले जाता है, क्योंकि इसके पास जो है बहुत ज्यादा जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, या ब्रैकेट में लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी है। अगर जो काइनेटिक एनर्जी हाई होगा तो यानी कि ये क्या करेगा, फटाफट से यानी कि अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो जल्दी प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, जिसकी जो है एनर्जी ज्यादा होगी वो कम होना चाहेगा। आप क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, अभी मैं क्या कर सकता हूं। आप लोगों को सभी को बताया हूं कि जब भी क्लास में हो तो आप लोग प्लीज मैसेज कीजिए आपके रिस्पेक्टिव मेंटर को, जो भी आप लोगों को जो है जो भी ग्रुप के लिंक उनको भेजते हैं उनको जो है यानी कि मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, फिर किसका होता है, लिक्विड का, फिर किसका हो जाता है, सॉलिड का। ये जो है इसका क्या है, ऑर्डर है। यानी कि जो, क्यों? क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो चाहेगा कि अपनी एनर्जी को कम करे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ, एक स्टूडेंट था नीट का पेपर दे रहा था, ठीक है, पहली बार नहीं हुआ तो उसके गार्जियन ने बोला कि चलो एक काम करो तुम बाहर जाके जो है पेपर दे दो। जब दूसरी बार भी नहीं हुआ तो उसको ना समाज ने बहुत ज्यादा ताना मारने लगा,
उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। अब जब वो तीसरी बार प्रिपेयर कर रहा था उसको कुछ दिखता ही नहीं था, नीट के अलावा कुछ नहीं दिखता था, और जो है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है वो जल्दी से चाहता है कि हम जो है रिएक्टेंट को बना सके, यानी कि जल्दी से जो है हम लोग क्या कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके, दुनिया को मुंह बंद कर सके, यही चाहता है। देखिएगा आप लोगों का भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी दुविधा है कि हम उसकी, अभी मैं बताऊं कि अगर हम पढ़ाई को बात करें ना, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मैं नौकरी दे दूं। पढ़ाई का बेसिक मतलब होता है कि आपके ब्रेन को डेवलप करना, लेकिन इस समय सिस्टम चेंज हो चुका है, हमें सिस्टम के अनुसार से अभी करंट के अनुसार से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें लिए हमारे लिए ही दिक्कत हो जाएगा। तो अभी जैसा ट्रेंड है कि आप जितना अच्छा नंबर लाओगे तो आपको जो है उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो ये गैस की जो है अनस्टेबिलिटी ज्यादा थी, तो ज्यादा होने के कारण ये क्या चाह रहा था कि मैं फटाफट से रिएक्शन करूं, और इस कारण से इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है ज्यादा तरफुर रहेगा, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि ये जो है सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी कि फटाफट से होना चाहेगा। क्या सेकंड पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया? यस सर, ओके, और यस सर, किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। थर्ड पॉइंट मैं बात करता हूं सरफेस एरिया की, चलिए मैं आप लोगों को एक सवाल सिंपल सा पूछता हूं। मैं जो है चाय बनाया, ठीक है, और मैं कप में रख दिया, ओके ठीक है। सपोज करो ये जो है मैंने कप बनाया, अब मेरे पास में चीनी डालने के लिए दो चीजें हैं, मेरे प्लेट में जो है चीनी रखने के लिए, एक में है चीनी का क्रिस्टल और एक में है छोटे छोटे क्रिस्टल, तो मुझे कौन सा वाला डालना चाहिए जिससे जल्दी घुल जाए, छोटा वाला छोटे करके, यानी कि छोटा छोटा वाला। अच्छा मुझे बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? बड़े वाले को, बड़े क्रिस्टल ये छोटे वाले, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका कम है, तो अगर सर कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इतना से ही को चीनी को क्या किया जो है तोड़ दिया, जैसे आपको समझाने के लिए ये सेम चीनी है, अब मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया, तो मुझे बताओ कि अब बताओ किसका एरिया ज्यादा है, अच्छा बी वाले का, यानी कि जितना छोटा पार्टिकल होता है तो सरफेस एरिया उतना जो है ज्यादा होता चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला और इधर वाला जो है ऐड होते चले जा रहा है, इस कारण से सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहा गया कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, बोलिए यही तो होगा, यानी कि आप चीनी को घोल रहे क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। आप ऐसे समझो मैं बड़ा बनाता हूं, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया, सपोज कि इसका टू था, अब मैंने इसको तोड़ के जो है दो छोटे छोटे पार्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया, मैं पाउडर के फॉर्म में अभी जो है बताऊंगा फिर आपको, यहाँ पे जो है मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया, अभी भी वही सेम साइज है, लेकिन ये वाला एरिया बढ़ गया, एक साइड का तो एरिया बढ़ गया ना, अगर इसको देखो तो, यानी कि ये एरिया बढ़ जाने के कारण जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये बात याद रख लीजिएगा, सरफेस एरिया क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, यस ओके। अब जब भी आप लोगों को अगर जो चाय बनाना हो, कोई चीज डिजोल्व करना हो, तो उस चीज को डिजोल्व करिएगा जो छोटे फॉर्म में आता है। इसीलिए देखिएगा कि जब भी आप लोग अगर जो जूस पीने जाते हो तो बहुत सारे दुकानदार जो है ना वो छोटे छोटे चीनी के पाउडर वाले फॉर्म को जो है डिजोल्व करता है, ठीक है, ना कि जो है वो क्या करता है कि ये सारी चीजों को जो है बड़ा बड़ा चीनी मिश्री का दाना ला के नहीं डाल देता है, ठीक है, वो तो अलग बात है, मिक्सी में डालते हैं तो उसको चुरा जाता है या कट कर देते हैं, लेकिन वैसे आप लोग अगर छोटे छोटे मिक्सी में नहीं पीस रहे हो तो आप छोटे पाउडर को डालोगे तो जल्दी उससे डिजोल्व हो जाएगा। अच्छा फोर्थ पॉइंट देखिए, मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
अब देखो, जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो सर क्यों, मैं समझाता हूं। अच्छा मुझे बताओ, लाइट ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे? ज्यादा ज्यादा होंगे, यानी कि इसके पास क्या होगा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो तो मोर नंबर ऑफ फोटोन हो जाएंगे। यानी कि इसके पास फोटोन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मोर होंगे। अगर जो आपको पता है एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, एच म्यू। अगर जितना ज्यादा फोटोन होगा तो उतना ज्यादा एनर्जी होगा। यहाँ पे एक फोटोन होगा तो एक एच म्यू होगा, अगर जो एन फोटोन होगा तो एन एच म्यू होगा। यानी कि नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा और अगर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट यस बात बता रहे हैं, यानी कि कैटलिस्ट की। आपको इससे कई बार जो पूछा भी गया है, आप जो है नीट की बुक में देखोगे तो वहां पे जो है इसके जो है पूछे गए। इसमें तीन बातें याद रखें। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि कैटलिस्ट करता क्या है? रिएक्शन को कैटलाइज हाँ, या तो किसी रिएक्शन को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। यानी कि कैटलिस्ट बेसिकली वर्क क्या करता है, इट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इन द केमिकल रिएक्शन। अब कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आया कैसे इंक्रीज करता है, आपको मैं समझाता हूं। सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं कि कैटलिस्ट क्या करता है। मान लो कि एक बड़ा सा पत्थर है, आप लोग जो है तीन आदमी या चार आदमी जो है मिलकर इसको जो है थ्री जो है हम लोग मान ले रहे हैं मैन जो है, यानी कि धक्का दे रहा है। अब इसको तीन मैन ने धक्का नहीं देते तो देखना एक नारा लगाते हैं। जैसे कई लोग अपने अपने जगह पे अलग अलग तरीके से नारा लगाते हैं, तो कुछ लोग भगवान का नाम लेते हैं, कुछ लोग जो है हल्ला बोल बोल के जय लगाते हैं। तो देखना जब हम लोग किसी काम को हल्ला बोल के करते हैं, यानी कि तो देखना वही पत्थर को पहले तीन आदमी नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने क्या करा कि तीनों ने मिलके हल्ला बोला, ये जो है क्या हो गया, यानी कि जो है इसको धक्का दे दिया। कैटलिस्ट भी यही काम करता है कि किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कहोगे सर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कम कर देता है, मैं आपको पहले एक समझाता हूं। सपोज करो मेरे पास कुएं में, आप लोगों ने जो है, मैं कुआ की एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कैटलिस्ट का। कुएं में अगर जो मान लो कि पाइप गिर जाए, ठीक है, सपोज करो कि मोटर लगाए थे और यहाँ पे जो है पाइप गिर गया, कुछ भी हो सकता है, पाइप गिर गया। अब ये पाइप गिर के ऐसा हो गया, बेंड हो गया, पूरा नीचे आ गया। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको निकालने के, या तो आप कुएं में जो है अंदर चले जाओ, ठीक है, इस तरह से बड़ा कुआं होता है तो एक इधर एक इधर एक इधर इस प्रकार से जो है लगे रहते हैं और इस पूरा जो है नीचे आ जाओ, पूरा जो है नीचे आ गया। दूसरा तरीका होता है कि रस्सी में कुछ ऐसा जो है हुक डाल दो और इसको पकड़ के ले जाओ। दोनों ने काम किया लेकिन एक ने बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट की, दूसरे ने बहुत कम एनर्जी वेस्ट की। सेम काम यहां भी होता है कि ये क्या करता है कैटलिस्ट, कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। अब कहोगे सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने इधर साइड एक्टिवेशन एनर्जी रखा, ठीक है, मान लो कि पहले मेरे को इतनी एनर्जी लग रही थी प्रोडक्ट बनाने में, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मैंने क्या करा, जैसे आप लोगों को कोई चीज याद नहीं हो रहा, मैंने आपको निमोनिक्स बताया, याद अभी भी वही रखे, लेकिन अब आपकी मेहनत क्या हो गई, कहोगे
कम हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट अभी भी सेम बन रहा है, लेकिन अब आपने इसकी एनर्जी को कम कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हो, कोई चीज याद नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपको बहुत ज्यादा याद करने में दिक्कत होगा। जैसे मैं इसी में बताता हूं कि आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पूछा जाएगा कि बताओ क्या होता है ऑर्डर, कौन सा, हम कैसे निकालेंगे। अगर आप बुक वाले मेथड से निकालोगे तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सेकंड में निकालोगे, देख के ही बता दोगे कि फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। आप लोगों ने अभी भी याद तो सबने सेम किया, लेकिन पहले वाले बुक वाले मेथड में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा था। अब जो हमने क्या कर दिया, यानी कि 1 सेकंड में याद कर लिया, यानी कि अब हमारी जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम हो गई। यानी कि यही काम जो है कैटलिस्ट करता है कि किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिस कारण से जो है प्रोडक्ट जो है अभी भी सेम बन रहा है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कैटलिस्ट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि कैटलिस्ट क्या काम करता है, कि किसी भी रिएक्शन में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब कहोगे सर मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मैं बताता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है मेरे पास तो लिंक ही नहीं आया है, यहाँ तो कोई नहीं आया। 1 मिनट मैं एक रिप्लाई कर दूँ, सर का मैसेज आ रहा है बार बार। ओके यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या काम होता है। हाँ मैं बता रहा था एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जिसपे क्या हो सके, जो है क्या हो जाए कि जो है कोई भी रिएक्शन हो सके। अब रिएक्शन तो ये इस इतनी एनर्जी हमारे पास देने के लिए जो है फिटिंग कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई जो है क्या है कि इतनी एनर्जी है नहीं कि मैं जो सबको इतनी एनर्जी दे सकूँ। हम लोग क्या करते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ही क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिस कारण से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, फटाफट से जो है प्रोडक्ट बन जाता है। ये काम होता है कैटलिस्ट का। दूसरा हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो चाहेगा क्या कि अपनी एनर्जी को फटाफट से कम करें और वो क्या करें, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी से हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए वो चाहेगा क्या कि लेस एनर्जी वाले जगह पे हम लोग क्या पहुंच सके, पहुंच सके। जैसे मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि देखा आप लोगों ने तवे पे पॉपकॉर्न को फ्राई होते हुए देखा होगा कभी, यस देखा सर, जब उसको गर्म करते देखना वो कैसे ऊपर की ओर उछलता है। क्यों? क्योंकि यस सर, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। सेम यहाँ पे भी होता है, जिसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे देखना आप ठंडे पानी में चीनी को घोलोगे तो जल्दी नहीं घुलेगा, लेकिन जरा सा गर्म कर दो देखना फटाफट से जो है आप लोग जो है बना लोगे। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि सपोज करो कि आपके घर में कोई मेहमान आए, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि चाय ग्लास में रख के चाय पत्ती चीनी दूध डाल के उसको मिला के दे देते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करोगे यानी कि वो चाय नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो है
हम लोग उसको गर्म करते ताकि वो जल्दी से बन सके। अगर जो ऐसा होगा आपका मेहमान जो है आके चले जाएगा और आपका चाय जो है बनते रह जाएगा, तो सही से घुलेगा भी नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर जितना ज्यादा है यानी कि क्या होगा वो जल्दी से रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, अब चलिए एक बात याद रखिएगा, इफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीज देन टू और थ्री टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, यानी कि अगर जनरली आपका 10 डिग्री सेल्सियस अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, टू और थ्री टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। आपसे ना रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज करो कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे दो जो है टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। आगे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस लग जाने में उसका कितना टाइम हो जाएगा। आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है कि जितना टेम्परेचर है यानी कि कहाँ पे था, अगर शुरू में 10 डिग्री है तो यानी कि 10 डिग्री माइनस कर देना 90 डिग्री, और कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे यानी कि 10 टेम्परेचर बढ़ाने पे यानी कि कितना हो गया 9, और यानी कि 2 to the power क्या कर देना 9 कर देना। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक बार और समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को टेकल करते हैं। ओके, अब लास्ट पॉइंट मैं समझाता हूँ, मैं यहीं पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अब मैं थोड़ा सा जो है फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरे कंप्लीट करने हैं। मेरे पास लास्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन, जैसे प्रेशर है, ये सारे भी हैं लेकिन हम लोग जो है मेन मेन चीजें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हम उन सब चीजों पे उतना ज्यादा क्योंकि वो बहुत कम इफेक्ट करते हैं, ये मेन मेन थे आपको मैं समझाया। देखो यहाँ पे तीन बातें मैं बताऊंगा, उन बातों को याद रखना। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ या न अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना जल्दी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे। दूसरी बात याद रखिएगा, समटाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कुछ में जो है ना ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। बहुत कम केस होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम केस होता है। जब मैं नेक्स्ट क्लास बताऊंगा तो इसके एग्जांपल और क्वेश्चन भी कराऊंगा। तीसरा ध्यान रखिएगा, समटाइम्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कुछ में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये तीन बातें थी लेकिन जनरली हमें यही वाला पॉइंट जो है आप लोगों को पढ़ना रहता है। अब देखो हमने बता दिया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, नेचर ऑफ आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बता दिया, कैटलिस्ट बता देता है, पीएच सॉल्यूशन यानी कि आपका पीएच का मतलब क्या होता है कि आप कैसा यूज कर रहे हो, एसिडिक यूज कर रहे हो, बेसिक यूज कर रहे हो। अगर एसिड एसिड के साथ मिलाओगे तो अलग रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, लेकिन आप एसिड बेस के साथ करा रहे हो तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम क्या है कि आप उसको जो मिला रहे हो उसके अंदर कैसा है, डाइलेक्ट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस पे भी ये सारी चीजें क्या करते हैं यानी कि डिपेंड करता है। फिर रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। फिर ये प्रेशर, प्रेशर ना के बराबर जो है जनरली इन सब चीजों पे रेट ऑफ रिएक्शन पे जो है डिपेंड करता है,
लेकिन बहुत सारे केस में ये क्या करता है, यानी कि जो है डिपेंड करता है। लास्ट वन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है द फर्स्ट फोर फैक्टर जनरली अफेक्ट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन व्हाइल अदर फैक्टर आर स्पेसिफिक टू सम रिएक्शन ओनली। ये सब जो रिएक्शन होते हैं ना, कुछ ही में इफेक्ट डालते हैं, लेकिन बाकी में जो है सभी में नहीं डालते हैं। लेकिन ये जो चार है, और जो मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट एग्जाम्पल जैसे HCl को आप लोग कराओगे, ये AgCl को हम लोग कराते हैं तो Ag+Cl में जो है टूट जाता है। तो ये सारे जो है यानी कि क्या होता है कि कुछ रिएक्शन में ये सारी चीजें जो है वर्क करते हैं, कुछ में जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे जो है यानी कि वर्क करता है। आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये सारे फैक्टर जो है इन सब चीजों को रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। बोलिए ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का बताएं, वी नो फ्रॉम द लॉ ऑफ मास एक्शन दैट रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा, मैंने यही बात आपको लास्ट में बताई थी कि उतना ज्यादा यानी कि क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेस ऑफ टाइम। ये याद रखना कि जैसे जैसे समय पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि मुझे शुरू में ज्यादा भूख लगी होगी तो मैं जल्दी जल्दी रोटी खाऊंगा, बाकी चीजें नहीं देखूंगा। जैसे आप लोग जो अभी अगर जिसको भूख नहीं लगी है, अभी मान लो शाम में नाश्ता कर लिया, मम्मी कह रही है रात में खाना खा लो बेटा खाना खा लो, तो कैसे खाओगे? एक हाथ में मोबाइल रखोगे, दूसरे हाथ में खाना खाओगे, तो धीरे धीरे खाओगे। मान लो कि आप स्कूल से आए और सुबह दोपहर में आपने नाश्ता ही नहीं किया स्कूल में, और फिर देखो मम्मी खाना देने से पहले ही कहोगे मम्मी खाना दो, फटाफट से यानी कि जो है रिएक्शन करना शुरू कर जाओगे। वही कहता है कि शुरू में रिएक्शन फास्ट होता है, फिर जैसे ही पेट भरेगा तो यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका जो है स्लो हो जाएगा। फिर ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, गैसेस स्टेट का होगा, फिर किसका होगा, लिक्विड स्टेट का होगा, फिर सॉलिड स्टेट का होगा। और यानी कि जो है इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। फिर फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट, एज वी डिक्रीजेस द पार्टिकल साइज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस सिंस सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो उतना ज्यादा होगा। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफ मोर बॉन्ड आर टू बी ब्रोकन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। जितना ज्यादा आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, जितना मजबूत बॉन्ड ब्रेक करोगे, उसका उतना ज्यादा क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, हेंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। और उसकी एनर्जी को क्या कर देता है, यानी कि वो कम कर देता है, जिस कारण से आपका जो है ये सारे हो जाता है। फिर आपको देखो प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट एक्शन डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उसकी एनर्जी को सारी चीजें जो क्या करता है कम कर देता है। रेडिएशन आर यूजफुल फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्या करते हैं यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने में जो है मदद करते हैं, उन सब में होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने सिल्वर ब्रोमाइड का नाम सुना है? यस सर। हाँ यस सर। कहाँ पे यूज? खींच मेरी फोटो, यानी कि जो रील होता है उसके अंदर जो यूज किया जाता है क्या होता है, AGBR का यूज करते हैं। अब वो देखना क्या होता है कि जैसे ही कैमरा को ऑन करते हो उससे लाइट आती है और वो आपकी इमेज जो है उसके ऊपर जो है AGBR ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर क्या होती पड़ती है। बाद में उसको हम लोग लैब में लेके जाते हैं और वहां पे जो इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। हाँ खींच दी सर। ओके वेरी गुड। ठीक है, आप उसको फ्रेम बना के रख लीजिए। ओके अब देखो उसके बाद जो है प्रेशर। प्रेशर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर गैसियस रिएक्शन। प्रेशर जनरली जो कहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि गैसियस रिएक्शन होगा तो वहां पे जो है आपका जो है डिपेंड करेगा। ठीक है ओके। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ रेट लॉ के बारे में, फिर हम लोग कल इसकी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि रेट लॉ क्या है, इसका डेफिनेशन समझाता हूँ क्योंकि हमारे पास जो है। ठीक है, रेट लॉ, ठीक है रेट लॉ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रेट लॉ क्या करता है कि रिलेशन बिटवीन क्या करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इसके बीच में कि रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या करता है, एक रिलेशन को बताता है। मैं कह लिख देता हूं, इसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। पहले ए मेरे पास ए प्लस बी
यहां से जो है सी बना रहा हूं, यहां पे मैं टू और ये थ्री, मैं यहां पे सी ना लिख के ना प्रोडक्ट लिख देता हूं, क्योंकि रेट लॉ में ना हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसीलिए हम लोग जो है कभी भी रेट लॉ में हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, क्या बन रहा है नहीं बन रहा है। रेट लॉ को कैसे लिखते हैं कोई बताना चाहेंगे? आप लोगों ने सभी ने यूज किया होगा, मैं पहले एक चीज समझाता हूँ। सपोज करो ये जो रेट लॉ है ना, हम लोग अपने अपने मन से नहीं निकाल सकते, ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल आती है। जैसे मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दूं, कल मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है क्या हो जाता है, यानी कि वन यानी कि टू टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर वन। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कोई भी रिएक्शन होगा ये जो है उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे डिपेंड करेगी, यानी कि एक्सपेरिमेंट से। मैं यहां समझाने के लिए मैंने हाइपोथेटिकल इक्वेशन दिया है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि इसको डबल करने पे टू टाइम्स हो रहा है, ये तभी होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन टाइम्स हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ ताकि कि आपको जो है क्लियरिफाई। मैंने कहा कि मैंने बी को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फोर टाइम्स हो गया, ठीक है? इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी टू द पावर टू के, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर वन बी टू द पावर टू, और ये जो है ना वन प्लस टू, इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, और अगर देख किन्हीं को कोई डाउट है, क्योंकि हम